आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के अंदर भी लोकसभा चुनाव जो है बहुत चरम पे पहुंच गए हैं, तो अभी क्या लगता है कि दिल्ली की स्थिति सातों सीटों पर क्या रहेगी, और जो सबसे ज्यादा अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति कैंडिडेट जीतता है तो वो कौन सा कैंडिडेट होंगे आपकी नजर में? देखिए, साउथ दिल्ली से सिद्धांत गौतम जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं जी, और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार करा है जी, और जो अपने नॉर्थ ईस्ट की सीट से हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट वाली सीट से हैं राजवीर जी बहुत ही बेमिसाल बेजोड़ अपने बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन दोनों सीटों से, नॉर्थ ईस्ट वाली से और साउथ वाली से, सभी लोगों की जो खिलाफ में लड़ रहे हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ना उनके सामने आम आदमी पार्टी का कोई एमपी ठहर सकता है, ना बीजेपी का ठहर सकता है, और किसी पार्टी का कोई भी नेता या एमपी उनके सामने नहीं ठहरेगा। बाकी और जगह जो है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग कि दिन रात इस मिशन के पीछे लगे हुए हैं कि सिद्धांत जी घर घर जाके उन झुग्गी झोंपड़ी में जाते हैं, सिद्धांत गौतम जी क्योंकि एडवोकेट हैं, साकेत में वो रहते हैं, वो उन लोगों के पास जाते हैं जहां जाने से बीजेपी अपने मुंह पर नाक पर रुमाल लगा लेती है, जहां पर आम आदमी पार्टी के लोग जहां पर जाने से अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, वो समाज की अंदर गहराइयों तक सिद्धार्थ गौतम जी जाते हैं, और यही अपने जो है अपने नॉर्थ ईस्ट वाले जो एमपी के लिए लड़ रहे हैं बीएसपी पार्टी से, वो भी बहुत ही दोनों ही बहुत योद्धा हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।